आप बताओ प्रेशर कुकर में क्या होता है? वहीं पर एप्लीकेशन है, वही एकदम लीवर सेफ्टी वॉल्व। बताओ प्रेशर कुकर की जो सीटी होती है वो कैसे काम करती है? जा वही है गाड़ी के हाउ वो इंजन वो क्या है 3D में पूछता है हाउ इंजन स्टार्ट्स। अब लो आप बताओ वो जो सीटी होती है वो कैसे काम करती है? रुक जाओ ये नहीं बताएंगे, आप बताओ। सिंपल सी बात है भाई, सीटी कैसे काम करती है, मतलब कब वो ऊपर आती है, कब वो बहुत देर तक तो वो नीचे ही रहती है। तो वो एक लिमिट होती है ना, तो जिसने भी कुकर डिजाइन किया होगा उसने बोला, और देखना हर कुकर की जैसे एक सीटी का एक वेट होता है, वो भारी होता है। ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही ढक्कन के लिए लगा दिया, वो काफी भारी होता है, कभी देखा है? तो वो उतने वेट का क्यों दिया गया? वो होता क्या है, हाँ होता क्या है कि मान के चलो चावल को बनने के लिए, अच्छा प्रेशर कुकर नाम क्यों दिया गया? एक प्रेशर से क्या होता है ना कि आप बॉइलिंग पॉइंट बहुत जल्दी अचीव कर लेते हो, ठीक बात है? प्रेशर से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत जल्दी अचीव हो जाता है। तो अब जिसने भी डिज़ाइन किया उसने ये सोचा कि चावल को बनते बनते इतना प्रेशर तो अंदर डेवलप हो जाएगा, जब प्रेशर डेवलप होगा तो ऑब्वियस बात है वो बाहर की तरफ आना चाहेगा। तो प्रेशर एक तरह का क्या है, प्रेशर इनटू एरिया करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स आ गया, इसका मतलब यहाँ से कैसा फोर्स अप्लाई हो रहा है, डाउनवर्ड अपवर्ड, कैसा फोर्स अप्लाई हो रहा है, प्रेशर ऊपर आना चाहेगा। और प्रेशर उस डायमीटर को मल्टीप्लाई कर दो आप जिससे रिलीज हो रहा है वो, तो प्रेशर इनटू एरिया आ गया फोर्स, मतलब आपको जो अपवर्ड में लग रहा है उसकी वैल्यू पता चल गई। उसको जस्ट काउंटर करने के लिए आपने उतने ही वेट का, उतना ही फोर्स होता है, फोर्स भी क्या है वेट है, वेट भी क्या है फोर्स है, उतने ही वेट का आपने डाउनवर्ड लगा दिया ताकि क्या काउंटर बैलेंस हो जाए, क्या हो जाए। अब जब तक उतना प्रेशर नहीं बन रहा है तब तक वो एकदम आपकी सीटी तो हल्का हल्का आवाज़ कर रही है लेकिन उठ नहीं रही है। अब लेकिन जैसे ही ज़्यादा प्रेशर हो गया तो कुकर फट जाएगा, क्या हो जाएगा, तो जैसे ही एक्सेस प्रेशर आया वो सीटी तुरंत ऊपर आ गई और उतने प्रेशर को रिलीज कर दिया। मान के चलो इसको आपने बनाया था 50 के लिए, यहाँ हो गया 60, तुरंत वो ऊपर आ जाता है 50, मतलब 51 जैसे ही होगा ऑब्वियस बात है ऊपर आ जाएगा। एक रिलीज किया तुरंत ये भी 50 ये भी 50 ही वापस से एक्ट कर गया। तो इसको बोलते हैं सेल्फ, मतलब कोई इंसान की ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है और वो प्रेशर ऑटोमेटिक काम कर रहा है। जब तक आपका कुकर इस तरह से काम कर रहा है तब तक नहीं फटेगा, लेकिन अगर उसमें कुछ माल फंक्शन आ गया तो वो फट जाएगा। तो इसी तरह काम करते कि हम क्या करते हैं, वहाँ भी मोमेंट करते हैं लेकिन हमारे पास कुकर जैसा सिस्टम नहीं होता, हमारे पास ऐसा ही सिस्टम होता है, बॉयलर होता है तो बहुत बड़ा मशीन होता है। क्या होता है, देखो कितना बड़ा मशीन होता है इसका फलक्रम। हाँ अब याद आया ना कि फलक्रम कहाँ होता है, दूसरा वाला केस ये है, लीवर सेफ्टी वॉल्व जो है ये दूसरा वाला केस मिस हो गया था ना, ये वाला ये है लीवर सेफ्टी वॉल्व। इसमें देखो क्या होता है, फलक्रम अब एक एंड पे होगा, ये देखो फलक्रम यहाँ पे हुआ, अब यहाँ से एक रॉड ऐसे दे दिया जाता है और यहीं पर क्या किया जाता है, एक डाउनवर्ड एक वेट लगा दिया जाता है, अभी बताया था ना एक डाउनवर्ड एक्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, मान के चलो एक इस तरह से क्या हमारा एक कंटेनर, इस तरह से नहीं होता, एक कंटेनर है जहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है और ये अपवर्ड में काम करना चाहता है, किस में काम करना चाहता है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं एक और वेट लगाते हैं, एक और वेट लगा देते हैं। केस टू में वेट इधर था ना, केस टू में वेट किधर है, इधर, ध्यान से सुनो सारे, केस टू में वेट किधर है, एंड में। तो हम क्या करते हैं एक वेट इधर भी लगा देते हैं ताकि ये एज अ ये रॉड की तरह यूज करे कि अपने वेट की वजह से इसको नीचे दबा के रखे। तो और इस इफेक्ट हुआ ना W जो आपने बीच में, हाँ तो ये इफेक्ट है, अभी ये इतना यहाँ पर इफेक्ट क्रिएट कर देगा कि जितना प्रेशर हमें चाहिए, मान लीजिए 10 चाहिए तो ये 10 तक का प्रेशर भी बना के रखता है, लेकिन जैसे ये 11 हुआ ये तुरंत ये स्टिक ऊपर चली जाती है, गैस रिलीज हुआ, ये इस वेट की वजह से ऑटोमेटिक नीचे आ जाती है। तो दूसरा केस ये बॉयलर का लिख लो, यहाँ पर क्या लिख लो, अब कंप्लीट हो गया। हेलो बच्चों, वेलकम टू मोटिवेशन क्लासेस, कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? आप सबों का ये एक पिछला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके आंसर्स बताने की कोशिश कीजिएगा। वैसे मैंने सारा डिटेल आपको सॉल्यूशन दे दिया है, अगर नहीं अगर समझ में आएगा तो आप मुझसे बाद में पूछ लेना, और ये इसका पूरा कैलकुलेशन है, ये आंसर आना चाहिए। अच्छा यूनिट क्या होगा इसका, एक्स का आंसर क्या है लास्ट में, 0.556 मीटर, ये फ्रॉम, हाँ ये फ्रॉम मैन है, अब बॉय से कितना डिस्टेंस जाएगा, ठीक ये बात समझ में आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं, एक आपके पास वापस से रॉड है और ऐसा करते हैं इस रॉड का एक सेल्फ वेट होगा, इस बार सेल्फ वेट इधर उधर कर देता हूँ मैं,
रॉड को थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म बना देता हूँ, मतलब एक नया, वरना तुम्हें क्या लगेगा कि सेम सा है। 15 न्यूटन है आपका इसका सेल्फ वेट, जो कि लग रहा है 2 मीटर यहाँ से और 3 मीटर यहाँ से, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। 15 न्यूटन लग गया, 2 मीटर और 3 मीटर, और ये मान के चलो किसी हुक से वो है 15, हाँ ये किसी क्या है, मान के चलो ऐसा हुक से हमने क्या किया इसको यहाँ पे वो कर दिया, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है तो 3 मीटर है, कितना है 3 मीटर, और ये इससे इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब यहाँ से अगर मान के चलो x है तो यहाँ से भी x ही है, ये x है तो ये भी कितना है x है, ऑब्वियस बात है यहाँ भी कुछ ना कुछ एक वो फोर्स होगा ही, कोई ना कोई एंड तो होगा ही ना इसका, एक फोर्स ये लग गया, एक एक्सटर्नल फोर्स दे देता हूँ 15 न्यूटन का, रॉड ऑफ 5 मीटर लेंथ, 5 मीटर लेंथ है, सही बात है, रॉड 5 मीटर लेंथ की है, ये 3 मीटर पता है ना, 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक का है, ये मत समझ लेना यही 3 मीटर है, ठीक है। जब मैंने बनाया था स्टार्टिंग में तो पूरा बनाया था, ये कितना है 3 मीटर, ये पूरा रॉड हो गया 5 मीटर का, 2 मीटर पे 15 न्यूटन लगा दिया, ठीक है। और ये हाँ अभी बताता हूँ, अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द रिएक्शन एट पेग्स, मतलब 5 मीटर की हो गई ना, ये हो गया पॉइंट आर, ये हो गया एस, आपको फाइंड, अब इसके ऊपर रिएक्शन लग रहा नहीं लग रहा होगा, ऑब्वियस बात है पूरी रॉड किसी रस्सी से मान के चलो दो रॉड से टंगी हुई है, तो अब उस रॉड में भी क्या हो रहा होगा, फोर्स आ रहा होगा जो भी है, तो आपको आर और एस पे रिएक्शन निकालना है, फाइंड रिएक्शन एट आर एंड एस, जो भी फोर्स लग रहा होगा। सर ऑब्वियसली हमें ऐसे तो डायग्राम तो मिलेंगे नहीं, फिर मिलेंगे, ये बोल के क्वेश्चन ही ध्वस्त कर दो सीधा, आएंगे और बनाओ इसको अब, आएंगे डायग्राम में कैसे नहीं आएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम में पूरा क्वेश्चन डायग्राम पे ही बेस्ड है, नहीं बहुत आसान है, तीन ही क्वेश्चन लगाने हैं आपको, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोमेंट, ये डायग्राम सबको समझ में आया है, मान के चलो इस तरह से है, दो रस्सी है, दो रस्सी से एक रॉड को मैंने टांग दिया, क्या किया, ऐसे हो सकता है एप्लीकेशन, उस रॉड का एक सेल्फ वेट है 15 न्यूटन, ये है पूरा डायग्राम, अब आपको बताना उस रस्सी में जो भी रिएक्शन आ रहा है, जो भी फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, पूरा सिस्टम रेस्ट में है, रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम लगाइए, किस पॉइंट से, मतलब जिसे इस पॉइंट की बात कर रहे हो, एंड तो वो फ्री होगा, उसका कुछ होगा ही नहीं, वो हवा में उड़ रहा है, हवा में है वो, तो नीचे से कुछ उसको टचिंग पॉइंट ही नहीं है, तो मतलब अगर 15 न्यूटन का है तो ये ऐसे जा रहा होगा ना, नहीं इस तरह से कि रॉड को पूरा इस तरह से रख दिया हमने, ऐसा सिस्टम क्रिएट किया, नहीं अभी आप करके देख लो, अगर मान के चलो मैंने ऐसा कर दिया, ये रस्सी का मैंने डिस्टेंस इस टाइप से इतनी दूरी पे रखा है कि वो पूरा का पूरा सिस्टम मान के चलो एक मैंने इधर लगा दिया एक इधर लगा दिया, तो ये है, अब बताओ मैंने मेरे दोनों हाथों में कितना फोर्स आ रहा है, 15 न्यूटन में इसे कैसे भी कर सकता हूँ, ऐसा जरूरी थोड़ी हिलेगा, ये लो अभी भी है, स्थिर है कि नहीं सिस्टम है, नहीं तो नीचे वाली रॉड तो ऐसे हिलेगी, जाने दो, बस अभी सिस्टम स्थिर है, क्या है ये हिल रहा है क्या, ये बताओ स्थिर है ना, तो बस तुम्हें बताना कि मैंने इस हाथ से कितना फोर्स लगाया, इस हाथ से कितना फोर्स लगाया है, ये पूरा का पूरा सिस्टम स्थिर है, बहुत आसान है, अब बताता हूँ, एनालिसिस दिखाता हूँ, पहली बात यहाँ पे कितने फोर्स हैं, अभी पार्टिसिपेट करो है ना, गिनोगे फिर मैं गलती बताऊंगा ना कि आप गलत बोल रहे हो, बताओ आप सबसे पहला क्वेश्चन आप ही बताओगे, कितने फोर्स हैं यहाँ टोटल,
कौन कौन से? एक ये, ठीक, एक ये भी तो है दो, यही तो मेन निकालना है, रस्सी भी तो कुछ खींच रही है फोर्स लगा के। तो यहाँ टोटल 1, 2, 3, 4, 5 फोर्स है, कितने फोर्स हैं? ये बात तो दिख रहा है, 5 में से इसकी वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि ये हवा में है, इसके ऊपर कोई ना नीचे कोई फोर्स लगा रहा है, ये कहीं टच ही नहीं कर रहा है, क्या है? अब ये अगर हवा में है तो यहाँ पर कोई फोर्स लगा रहा है क्या इसको? तो 0 है। तो ये कितना हो गया? 0। ये भी क्या हो गया? 0। अब कितने फोर्स बचे? 3। 1, 2, 3। एक तो आपको पता है डाउनवर्ड लग रहा है, ये दोनों कहाँ लग रहा होगा? अपवर्ड। रस्सी से क्या कर रहा होगा? ऊपर खींच रहा होगा। तो इसको आप फिक्स कर दो, ये हो गया अपवर्ड। कितना हो गया? अब आपको साफ साफ सिस्टम दिखना चाहिए, चलो वो भी हो गया। अब मुझे पूरा सिस्टम वो है, क्या बोलते हैं, 3 फॉर्मूले हमारे पास, कौन कौन से फॉर्मूले हैं? समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल 0। हॉरिजॉन्टल अभी कोई लग रहा है क्या? हॉरिजॉन्टल मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना, क्या इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? क्या चल रहा है? ये ज़्यादा तेज हो गए हो कि ये ज़रूरत नहीं है? नहीं, हटाओ। अगर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगता ना, पक्का वो ऐसे ऐसे रोटेट करने लगता, क्या होता है, ऐसे झूले की तरह झूलने लगता है। लेकिन कोई नहीं लग रहा इस डायरेक्शन में, ऑब्वियस बात है, कभी भी तुम्हारे दिमाग में आए ना क्या बॉडी इधर उधर मूव कर रही है, तो ये सोचो क्या इधर कोई फोर्स लग रहा है? लगेगा तो मूव करेगा, नहीं लगेगा तो मूव नहीं करेगा। तो ये बात हो गई। अब आते हैं, मैं क्या बता रहा था, हाँ 3 फॉर्मूले। ये तो हो गया 0, ये लगाना ही नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ मैं बार बार, वरना किसी एग्जाम में तो, किसी क्वेश्चन में तो लगेगा, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। अब अगला आता है वर्टिकल। वर्टिकल में है तो वर्टिकल में अभी जस्ट सिखाया क्या करना है, जब वर्टिकल को सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। आइए बैठिए,